Dear students, I am Israr, lecturer English, teaching you class 12th supplementary text Vistas, and our topic is a play On the Face of It by Susan Hill, and we are to start from here. Diary. तो अभी तक आपने देखा मिस्टर लैम और मिस डैरी जो हैं, ये दो हैं. मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी है. ही ओन्स अ गार्डन एंड अ हाउस. तो उसका मकान है बाग में और बाग भी उसी का है. वो अपने बाग में बैठा है. तो जो डैरी है ये एक नौजवान लड़का है जो बाग में अपने आप को छुपाने के लिए जाता है. कैज की उस डैरी छुए मिस्टर बुद्ध दूध मुताकियन तो बूब छी मिस उस वन एमिस ने दूर चालान की छपन उन पान वो चूर था. वह कैज मिस्टर तकलीफ हुआ था ये लू की मिस कौन गुशान छ दपहा है इमिस क्या गुमुत या बहान बन रही थी मिस ने दूर बेहमान छु. तो मगर मिस्टर लैम छी मिस बद इज्जत जमा इमिस समझावान संभालान पत उस पत्म लेक्चर तथ मे समझो मे तुह कि किस तरह जो मिस्टर लैम है सह वन वो मेस बागस मह पोश त्रूट त मगर कंड जान तो इनकी भी ज़रूरत है. कंड वंड तुदायस नश अहमियत कोई चीज़ फालतू नहीं है. इतने पोचे तो देखो डैरी क्या कहता है. तो लास्ट सेंटेंस जो बोलते हैं मिस्टर लैम सुमस वन डैरी इज सेम एज यू एंड मी. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप और मैं हैं इसी तरह इस दुनिया में फूल भी ज़रूरी हैं और वीड्स हाँ कंड जान वानते जरूरत. तो डैरी देखो क्या कहते हैं. वी आर नॉट द सेम. नहीं हम सेम नहीं हैं. तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड. हाँ हम सेम नहीं हैं इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ. यू आर यंग तुम जवान हो. यू हैव गॉट है बर्न फेस. हाँ तुम्हारा मुंह जला हुआ है. आई हैव गॉट है टिन लेग और मेरी जो टांग है वो टिन लेग है यानी डुप्लीकेट लेग है. इसकी इसका मतलब है जो मिस्टर लैम है उसकी टांग कटी हुई है वो लंगड़ा है. अब उसकी जगह एक डुप्लीकेट लेग लगाई है प्लास्टिक लेग या टिन की लेग. नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ तो इस चीज़ में समझावान कि कहाँ फ़र्क छन बुच बड़ तो शुक्लाकुट या चाचा छी बुद्ध दूध मुत में जंग सेमस. तो कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है. यू आर स्टैंडिंग देयर तो शुकनस खड़ा. आई एम सिटिंग हेयर मैं यहाँ बैठा हूँ. वेयर इज़ द डिफरेंस. तो अब क्या फ़र्क है तकरीबन से बराबर प्रत कह नमी थी कें खूबी थी. अब डैरी कहते हैं वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग. तो वो बासा डैरी इस कि ना बुत दुनिया मे तकलीफ वोल कि मे बुद्ध दूदमुत इमिस तिश क्या तमाम दिक्कत ते क्या चीज तीन लेग लगित ते क्या चीज. तो मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ. जो मेरी असली लेग थी वो उड़ गई सस वुड्याए मिसाल बम फुट का चीज गाओ. ईयर्स बैक वारिया काल गाओ लैमी लैम सम किड से. तो तम मे शुर वन लैमी लैम मे मजाक बनावा शुर चे छी ना बनावा दपन छु लैमी लैम ठीक. मिस्टर लैम तो मेरा नाम है. लैमी मतलब को लंगड़ा था लंगड़ा हाँ ये लोंग लैम. तो शुरू हसा मैं मजाक बनाव ये वनित सम खिड से कें शुरू ई वनान मे हेवंट यू हर दैम ते बूजुत ना मे तुम लूक इत पे यम शुर वन यू विल आ चे बूजमुत ज बोजक ते लैमी लैम इट फिट्स. मगर यह ठीक कत यह पज फिट कत बुस लैम मे नाव तो लोंग तवे ते वन लोंग लैम. तो कोई फर्क नहीं पता डजंट ट्रबल मी मुझे बुरा नहीं लगता है. मे ना सा बुर बसान ये वन तिहद क्यों क्या करो. तो डैरी वन बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स. मगर ऐ हक एम पी अत यजार लगित या पेंट लगित ट्राउजर्स हाँ पजामा पहन सकते हो एंड खबर टप और ये छुप जाएगा एंड नो वन सीज कोई नहीं देखेगा तुम्हारी कटी टांग. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. तुम तो हेकन ये पत वह एंड स्टेयर गो पत चकुन बनाने से मजाक ये गौर सान वन हाँ घूरेंगे आपको. तो मिस्टर लैम वनान सम डू आ कुछ कुछ करते हैं सम डोंट कुछ मजाक करते हैं कुछ घूरते हैं कें करान ते क्या ठाई ऑफ इट. तुम छो तंग आम तुम बासा कि बहुत कंस कह वन तुम तुम तंग आम इन द एंड. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट. इस दुनिया में और बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए. तुम चो तूर वा थक तुम मैं वन वन. तो डैरी कहता है लाइक माई फेस. तो डैरी कहता है मेरे फेस की तरह आपको भी मेरा फेस भी ऐसा है. अब वो मुझे देखते हैं तो मिस्टर लैम छोना लाइक क्रैब एप्पल्स. ना ना तो निके तुम छो वो क्रैब एप्पल मेन एप्पल तुम अथ यहाँ और द वीड्स या वो कांटे जान वान अथ यहाँ और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप या वो किसी स्पाइडर को जरूर वो तम खसा हर अपस सिल्कन लैडर. तो
तो सुच बनावा सिल्कन लैडर यानी सुच पन्ने तिम सुजाल बनावा तो तिमी मज खसा हेर ओ माय टाल सनफ्लावर्स या तो मेरे बाग में जो सनफ्लावर है पाछो तिम तिमन कुन वुछान तुम थकमत मे वो वन वन। तो डैडी कहता है थिंग्स ये सब चीज़ें हाँ मगर दीज आर थिंग्स यानी उसका मतलब ये है यम से सारी चीज़ यम तुम वुछान इंसान मा इंसानस फील गसान इस पर मैं दुख गसान वुछत। तो मिस्टर लैम से बना इट्स ऑल रिलेटिव ये सब मिलता जुलता है यानी कनेक्टेड है रिलेटिव मतलब कनेक्टेड यानी हम चीज़ से रलना चीज़ इंसानों से रल इंसान चीज़ों से ब्यूटी एंड द बीस्ट यस ब्यूटी एंड द बीस्ट ठीक है यानी हम चीज़ रिलेट ब्यूटी खूबसूरती एंड द बीस्ट तो जुल्म ठीक है तो चीज़ से रलित मिसाल ये वनों वन सह ठीक है शेर बीस्ट हम शेर को ले लेते हैं सह बड़ जालिम आसान हाँ खूंखार आसान तो मगर यो बड़ खुशवन आसान चीता को ले लो जैगवार को ले लो है ना टाइगर को ले लो कित पोच तुम कत्या खुशवन बसान दूर कूत रंगदार आसान राठदार तो टेचदार है ना मगर हो बड़ जालिम तो लिहाजा दोनों चीज़ें मिली हुई है इस समझावान डैडी वनान वट्स दैट सपोज टू मीन उसका क्या मतलब है क्या वाना चुक मे तेली अत क्या मायने ब्यूटी एंड बीस्ट तो मिसर लैम वन यू टेल मी चलो तो वन से मे तो डैडी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर तो चुक मैं ये स्टोरी वन वन दलील वन वन मैं खुश करने की कोशिश करा ची ना बासा कि दलील से मैं ब्रोह ते बोजमत फेरी फेरी गो परी ये परियों की कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ तो मुझको इनसे खुश करना चाहते हो इसी मिस्टर लैम्बस वना इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक इट्स वॉट यू आर इन साइड ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या नज़र आऊँ या क्या अच्छे मगर मसलो अंदर से फील गसा इट्स वॉट यू आर इन साइड अंदर से फील होता है लोग अच्छे हों या बुरे लेकिन अंदर से महसूस होता है दुख होता है हैंडसम इज़ एज हैंडसम हाँ तो ये क्या कहते हैं हैंडसम इज़ एज हैंडसम तो खूबसूरत होता है एज डज तो वही अच्छा है जो अच्छा काम करता है हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज खूबसूरत वही है अच्छा वही है जो अच्छे काम करता है ब्यूटी लाउड द मोनास्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस तो ये एक पुरानी कहानी है ब्यूटी लाउड द मोनास्ट्रस बीस्ट है ब्यूटी को अगर हम ये कहानी है कि एक बार जो खूबसूरती है उसने उसको प्यार हो गया था मोनास्ट्रस बीस्ट एक बहुत ही हम कहेंगे ज़ालिम बीस्ट से एक जानवर से फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम और जब उसने उसको किस किया ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस तो ब्यूटी की खूबसूरती की वजह से उसकी किस की वजह से जो बीस्ट था वो भी एक हैंडसम प्रिंस बन गया ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मोनास्ट्रस बीस्ट ओनली ही वुडंट तो वो फिर अगर ऐसा ना होता तो वो जानवर ही रहता अगर जानते में असर पे है ना जान इंसान सुन के जान ब्यूटी हूं के ही वुड हैव स्टेड अ मोनास्ट्रस तिल रोज है सो जानवर आई तथा पोट अख वाहियात आई वोंट चेंज तो लिहाजा बह गस ना चेंज क्या मे सन कह अरे पोट कत करान तो मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट तेल गसख ना सो चेंज क्या ऐसे दिमाग यूथ बनोमुत तो चुक ना यहाँ चेंज गसुन कहें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आज की अपनी क्लास रोक लेते हैं हम कल देखते हैं कि डायरी आगे क्या कहता है।